बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म लव आजकल का फर्स्ट पोस्टर आउट हो गया है। इस पोस्टर को खुद कार्तिक और सारा ने अपने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पोस्टर में कार्तिक और सारा नजर आ रहे हैं। कार्तिक ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, वहाँ है नहीं जहाँ लेटे हुए हैं, कहीं उड़ रहे हैं वीर और जोए। साथ ही अपने कैप्शन में कार्तिक ने ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि फिल्म का ट्रेलर कल यानी 17 जनवरी को आउट होने वाला है। आपको बता दें, ये पहली बार है जब कार्तिक और सारा स्क्रीन शेयर करने वाले हैं। इन दोनों स्टार को साथ में देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस हमेशा से ही अलग अंदाज में पब्लिक को अवेयर करती नजर आती है। इस बार महाराष्ट्र पुलिस ने थ्री इडियट्स के एक सीन को हाईलाइट कर हेलमेट रूल्स पब्लिक को समझाए हैं। फिल्म के एक सीन जिसमें आमिर, शर्मन और आर माधवन ट्रिपलिंग कर रहे होते हैं, उसे पोस्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए पुलिस ने लिखा, दिल जो तेरा बात बात पे घबरा है, ड्राइवर इडियट है, प्यार से उसको समझा ले, ट्रिपल सीट जाने नहीं देंगे तुझे। इस पर आर माधवन ने भी रिप्लाई किया और लिखा, होल हार्टेडली अग्री। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे पर आया शेरशाह का फर्स्ट लुक। सिद्धार्थ मल्होत्रा 16 जनवरी को अपना 35वां बर्थडे मना रहे हैं। इस मौके पर उनकी आने वाली फिल्म शेरशाह का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म भारत पाकिस्तान के बीच हुई करगिल की लड़ाई के हीरो रहे भारतीय सेना के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बेस्ड है। शेरशाह का ये फर्स्ट लुक करण जौहर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया। फर्स्ट लुक में करण ने फिल्म के दो पोस्टर्स शेयर किए जिसमें सिद्धार्थ लड़ाई के मैदान में इंटेंस लुक में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, करगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कैप्टन विक्रम बत्रा का इतना खौफ था कि उन्होंने कैप्टन बत्रा का कोड नेम शेरशाह रख दिया था, इसीलिए इस फिल्म का नाम भी शेरशाह रखा गया है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने घर पर एंजॉय की डेट नाइट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंडिया में फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद प्रियंका चोपड़ा आजकल निक जोनस के साथ कैलिफोर्निया में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। हाल ही में पीसी और निक जोनस एक साथ डेट नाइट एंजॉय करते स्पॉट किए गए। निक जोनस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें निक जोनस फैंस को रेड वाइन बॉटल दिखाते दिख रही हैं। इसके बाद वो कहते हैं, डेट नाइट एकदम सही तरीके से, सही कहा ना बेब। वीडियो में आप देख सकते हैं निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा दोनों के चेहरे पर फेस मास्क लगा हुआ है। दोनों ही रेड वाइन घर के लाउंज एरिया में एंजॉय करते दिख रही हैं। बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना रनौत न सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस हैं बल्कि एक अच्छी डायरेक्टर भी हैं, और अब तो कंगना जल्द ही प्रोड्यूसर भी बनने जा रही हैं। वेडनेसडे को कंगना ने अपनी प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स लॉन्च किया। प्रोडक्शन हाउस के मुहूर्त के मौके पर कंगना अपनी पूरी फैमिली के साथ नजर आई। कंगना के साथ रंगोली और कंगना की गोद में उनका भतीजा पृथ्वी भी नजर आए। कपिल शर्मा ने शेयर की बेटी की पहली पिक, अपने दिल के टुकड़े का रखा अनायरा शर्मा नाम। द कपिल शर्मा शो के होस्ट और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने मकर संक्रांति के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दो पिक्चर शेयर की। इनमें वो अपनी बेटी और पत्नी गिन्नी के साथ दिख रही हैं। कपिल ने अपने पोस्ट में बेटी का नाम बता दिया। कपिल ने लिखा, मिलिए हमारे जिगर के टुकड़े अनायरा शर्मा से। जहां पहली पिक्चर में प्यारी सी अनायरा बेहद क्यूट नजर आ रही है, तो वही दूसरी फोटो में कपिल और गिन्नी अपनी बेटी को प्यार से निहारते दिख रही है। कपिल ने जो पिक्स शेयर की है उन पर तमाम सेलेब्स और फैंस लाइक्स और कॉमेंट्स कर रही है। इसके साथ ही बेटी को आशीर्वाद दे रही हैं। विराट कोहली बने अनुष्का के फोटोग्राफर, कॉफी पीते हुए शेयर की खूबसूरत पिक्चर। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। विराट और अनुष्का दोनों ही इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्स शेयर करते रहते हैं। अक्सर ये दोनों एक दूसरे के पर्सनल फोटोग्राफर बन जाते हैं। विराट और अनुष्का के बीच की रोमांटिक बॉन्डिंग फैंस को काफी पसंद आती है। अनुष्का शर्मा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर कॉफी पीते हुए दो पिक्चर शेयर की हैं। इन पिक्स को विराट कोहली ने क्लिक किया है। इन पिक्स में अनुष्का घर की बालकनी में बैठी कॉफी पी रही हैं। पिक्स को शेयर करते हुए अनुष्का ने बताया कि फोटोग्राफ उनके प्यारे विराट कोहली ने क्लिक की है। टाइगर श्रॉफ की मां आयशा ने शेयर की एक खास तस्वीर, दिशा पाटनी ने किया लाइक। टाइगर श्रॉफ अपनी अगली फिल्म बागी 3 को लेकर चर्चा में हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 3 में श्रद्धा भी नजर आएंगी। अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद टाइगर श्रॉफ अपनी पर्सनल लाइफ का पूरा ध्यान रखते हैं। टाइगर के अलावा उनकी मां आयशा श्रॉफ भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। आयशा श्रॉफ अक्सर टाइगर श्रॉफ की थ्रोबैक इमेजेस शेयर करती हैं। जो पिक अब आयशा ने शेयर की है उसे टाइगर की करीबी दोस्त दिशा पाटनी भी इम्प्रेस हो गई है। आयशा द्वारा शेयर की गई पिक में टाइगर और वो ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आ रही है। पिक में आयशा टाइगर की गाल पर किस कर रही है। पिक से ही माँ बेटी की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है। इस पिक को उनकी करीबी दोस्त दिशा पाटनी भी लाइक करने से रोक नहीं पाई। आयशा ने पिक को शेयर करते हुए लिखा, हमेशा मेरा छोटा बच्चा रहेगा।
करण की फिल्म के लिए विकी कौशल ने की तैयारियां शुरू। फिल्म मेकर करण जौहर की फिल्म तख्त अगले साल की सबसे मच वेटेड फिल्म में शुमार की जा रही है। इस मल्टी स्टारर पीरियड फिल्म में बॉलीवुड के कई टॉप सितारे नजर आने वाले हैं। अनिल कपूर इस फिल्म में मुगल सम्राट शाहजहां का रोल निभाएंगे, तो वहीं रणवीर सिंह, दारा शिकोह और विकी कौशल औरंगजेब के किरदारों में नजर आएंगे। वहीं करीना इस फिल्म में दोनों की बहन जहानारा बेगम का किरदार निभा रही हैं। करण जौहर ने बताया कि उनके इस प्रोजेक्ट में मुगल साम्राज्य का तख्त हासिल करने की कहानी को दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो तख्त जल्द ही फ्लोर्स पर आएगी। डायरेक्टर करण जौहर जैसलमेर में रेकी कर चुके हैं और वो यूरोप में भी रेकी करने का प्लान बना रही हैं। वहीं विकी ने इस फिल्म के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। फिल्म में औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले विकी कौशल घुड़सवारी सीख रहे हैं। विकी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में घोड़े के साथ दो वीडियो शेयर की हैं। वहीं फिल्म की एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू की हैं। वो इस फिल्म के लिए कथक डांस सीख रही हैं। सोशल मीडिया पर फैंस जितना शाहिद कपूर को स्टॉक करना पसंद करते हैं, उतना ही उनकी वाइफ मीरा राजपूत को देखना पसंद करते हैं। मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी वीडियोस और पिक्चर्स शेयर करती रहती हैं। हाल ही में मीरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पिक्चर पोस्ट की है। मीरा की इस सन किस्ड पिक में वो बेहद खूबसूरत लग रही है। साथ ही इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए मीरा ने कैप्शन में लिखा पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं अगर बात करें मीरा के बॉलीवुड डेब्यू की, तो खबरों की माने मीरा बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए बेकरार हैं और वो अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काफी ध्यान दे रही हैं। अक्षय कुमार ने पिछले कुछ समय में बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की फिल्में पेश की हैं, उसने फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर कर दिया है। इस वक्त अक्षय के पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें पृथ्वीराज भी शामिल है। फिल्म यशराज बैनर के अंडर प्रोड्यूस हो रही है। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज को यशराज बहुत बड़े बजट में बना रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। लेटेस्ट खबरों की माने तो इस फिल्म में सोनू सूद और आशुतोष राणा की भी एंट्री हो गई है। वेल, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इन दिनों अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी को लेकर फैंस में बज बना हुआ है। फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट कैटरीना कैफ हैं। फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रही हैं। फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी इम्पोर्टेंट रोल में होंगे। हाल ही में गुलशन ने अक्की और रोहित के साथ सेट से एक बीटीएस पिक्चर शेयर की। गुलशन ने पिक को शेयर करते हुए लिखा लास्ट डे ऑफ फिल्मिंग फॉर फिल्म सूर्यवंशी विद माई ब्रदर अक्षय कुमार, गॉर्जियस कैटरीना कैफ एंड फेवरेट डायरेक्टर रोहित शेट्टी। वेल, फिल्म इसी 27 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पन्नेकर ने अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई फिल्म पति पत्नी और वो में काम किया था और अब भूमि अपनी अपकमिंग फिल्म दुर्गावती में बिजी हो गई हैं। खबरों की माने तो फिल्म में आर माधवन भी नजर आने वाले थे, लेकिन अब खबरें हैं कि उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया है और अब उनकी जगह फिल्म में रितेश देशमुख नजर आएंगे। आपको बता दें, फिल्म की शूटिंग इस समय एमपी में चल रही है और भूमि जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग को खत्म करने के बाद अगले स्केड्यूल की तैयारियों में जुटने वाली हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में भूमि एक आईएएस ऑफिसर की भूमिका में नजर आने वाली हैं। ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखी कृति सेनन। इस बात में कोई शक नहीं कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में ट्रेंड सेटर रही हैं। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के ऑपोजिट अपनी पहली ही फिल्म ओम शांति ओम से वो चर्चा में आ गई थी और अब ऐसा लग रहा है कि एक्ट्रेस कृति सेनन भी कुछ उन्हीं के रास्ते पर चल रही है। दरअसल कृति को हाल ही में एक एड शूट के सेट पर स्पॉट किया गया और उनका लुक ठीक वैसा ही है जैसा दीपिका का एक एड शूट के लिए था। दीपिका और कृति का ट्रैफिक कॉप वाला अटायर भी लगभग एक जैसा ही है और उनके बाल और मेकअप भी काफी सेम है, जिसकी झलक हम आपको बॉलीवुड 2020 में दिखा रहे हैं। साल 2020 में रिलीज होने वाली फिल्म शकुंतला देवी के बाद एक्ट्रेस विद्या बालन जल्द ही एक और रियल इंसिडेंट बेस्ड फिल्म में नजर आएंगी। उनकी अगली फिल्म अपने दिलचस्प घटना के कारण काफी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है विद्या बालन महाराष्ट्र की बागिन अश्विनी अय्यर पर बन रही फिल्म में एक फॉरेस्ट अफसर का किरदार निभाने जा रही हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विक्रांत मल्होत्रा महाराष्ट्र में हुई बागिन की हत्या के कंट्रोवर्शियल केस पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म में विक्रांत मल्होत्रा विद्या बालन को साइन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी विद्या बालन विक्रम मल्होत्रा की फिल्म कहानी में काम कर चुकी हैं। विद्या बालन की अब तक की शानदार परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें इस रोल के लिए सबसे बेहतर माना है। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर में बॉक्सर का कैरेक्टर प्ले करते नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को पूरी जगनाथ डायरेक्ट कर रहे हैं और जल्द ही फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए विजय काफी मेहनत कर रहे हैं। फिल्म के कैरेक्टर में खुद को पूरी तरह ढालने के लिए विजय थाईलैंड में मिक्स्ड मार्शल सीखने वाले हैं।
इस दौरान विजय एक स्ट्रिक्ट डाइट पर भी रहने वाले हैं। विजय ने ज्यादातर ऑन स्क्रीन एंग्री मैन के रोल प्ले किए हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके सिक्स एब्स भी नजर आएंगे, जिसके लिए विजय ने पूरी मेहनत करने की ठान ली है। बॉलीवुड स्टार्स की हर एक्टिविटी पर रहती है हमारी नजर, और स्टार्स की इसी एक्टिविटी को हम आप तक लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपके फेवरेट स्टार्स को हमने कहां कहां कैप्चर किया। सबसे पहले हमने रितेश देशमुख, जावेद अख्तर और फरहान अख्तर को एक एग्जीबिशन में स्पॉट किया। ये एग्जीबिशन मशहूर लेखक जावेद अख्तर के 75th बर्थडे के मौके पर रखा गया था, जिसमें उनकी पूरी लाइफ और जावेद साहब की बॉलीवुड जर्नी को शोकेस किया गया। इसके बाद मुकेश छाबरा के ऑफिस की पार्टी में भी हमने कई बॉलीवुड स्टार्स को कैमरे में कैप्चर किया। सोनू सूद को भी हमने मुंबई पुलिस के साथ रोड सेफ्टी इवेंट पर कैप्चर किया। श्रद्धा कपूर को भी हमने वर्सोवा में रोहन शेष्टा स्टूडियो के बाहर कैप्चर किया। इस दौरान श्रद्धा बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद कार्तिक आर्यन को भी हमने उनकी मॉम के साथ जुहू के मुक्तेश्वर टेम्पल में स्पॉट किया। अर्जुन कपूर को भी हमने जिम के बाहर कैप्चर किया। श्रुति हासन को भी हमने उनके बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई के लोखंडवाला में कैजुअल लुक में स्पॉट किया। टाइगर श्रॉफ की मां आयशा ने शेयर की एक खास तस्वीर दिशा पाटनी ने किया लाइक। टाइगर श्रॉफ अपनी अगली फिल्म बागी 3 को लेकर चर्चा में हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 3 में श्रद्धा भी नजर आएंगी। अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद टाइगर श्रॉफ अपनी पर्सनल लाइफ का पूरा ध्यान रखते हैं। टाइगर के अलावा उनकी मां आयशा श्रॉफ भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। आयशा श्रॉफ अक्सर टाइगर श्रॉफ की थ्रोबैक इमेजेस शेयर करती हैं। जो पिक अब आयशा ने शेयर की है उसे टाइगर की करीबी दोस्त दिशा पाटनी भी इम्प्रेस हो गई है। आयशा द्वारा शेयर की गई पिक में टाइगर और वो ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आ रही है। पिक में आयशा टाइगर की गाल पर किस कर रही है। पिक से ही माँ बेटी की बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है। इस पिक को उनकी करीबी दोस्त दिशा पाटनी भी लाइक करने से रोक नहीं पाई। आयशा ने पिक को शेयर करते हुए लिखा, हमेशा मेरा छोटा बच्चा रहेगा।